लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार जैसे खस्ता और एकदम टेस्टी वाले समोसे। तो गाइस बहुत ही झटपट बनाए हैं मैंने ये समोसे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ मुनमुन, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल मुनमुन्स क्रिएटिविटी में। तो गाइस आज की रेसिपी बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है, बस कुछ टेक्ट आने चाहिए। और मैंने किस तरीके से बनाए समोसे तो आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का ये वीडियो। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग, आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज समोसे बनाने के लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है चलिए देख लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने लिए हैं 4 उबले हुए आलू मीडियम साइज़ के, आधा कटोरी लिया है मैंने मटर, ये मैंने फ्रोजन मटर लिया है, 2 इंच के लगभग मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे मैंने कद्दूकस लिया कर लिया है, 5 हरी मिर्च ली है और यहाँ पर 3 चुटकी के करीब मैंने हींग लिया है जिसे मैंने पानी में भिगो कर रख दिया है, और यहाँ पर लिया है मसाले। मसाले में मैंने लिया है काली मिर्च 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, आमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने 1/2 चम्मच। तो ये सारे मसाले लिए हैं मैंने। तो चलिए देख लेते हैं डो बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने 1 कटोरी के जितना मैदा लिया है और रिफाइंड ऑयल लिया है तलने के लिए, नमक लिया है मैंने 1/2 चम्मच के जितना, अजवाइन मैंने लिया है 1 चम्मच और 1 चुटकी खाने का सोडा। और इन सब चीज़ से हम डो तैयार करेंगे अपना समोसे का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, बड़ी कटोरी है, इसमें लगभग 14 से 15 समोसे बन जाते हैं बड़े बड़े। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के जितना नमक, नमक ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम आलू के मसाले में भी नमक डालेंगे तो उसी हिसाब से नमक डालना है। अब 1 चुटकी मैंने इसमें डाला खाने का सोडा और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। अब ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से हम मिला लेंगे इसको। अब मैं इसमें डालूंगी मयाम के लिए रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल हमें 4 से 5 चम्मच 1 कटोरी आटे के लिए लग जाता है। मेन इसमें खस्ता अगर आपको बनाना है तो मेन जो असली जो होता है ना, मयाम डालने के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपके समोसे कैसे बनेंगे, खस्ता बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। तो इस आपको बस मैं आपको एक टैक्ट यहाँ पर बता देती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 चम्मच लगे, आप क्वांटिटी आटे की कितनी ले रहे हो है ना, तो उसी हिसाब से आपको इसमें तेल डालना है। अब तेल कितना डालना है आपको एक अंदाज़ा आना चाहिए। तो आप देख सकते हो मैं तेल थोड़ा डाला और आटे को अच्छे अच्छे से मसल रही हूँ, फिर तेल डालूँगी आटे को अच्छे से मसलूँगी जब तक वो एक लड्डू तैयार नहीं हो जाता। ये देखिए एक लड्डू अभी भी अच्छे से लड्डू नहीं बन रहा है, वो टूट जा रहा है। तो अभी इसमें थोड़ा सा और हम तेल डालेंगे, तो उसको तेल डाल के फिर से मैं मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसमें मैं फिर से तेल डालूँगी और जब तक एक लड्डू बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक हमें उसमें तेल। अब हमारा देखिए इस तरीके से लड्डू बनना चाहिए, आटा एकदम मिक्स हो जाना चाहिए एकदम, ये देखिए ऐसा होना चाहिए। तो मेन होता है यही, अगर आपका आटा इस तरीके से रहा तो आपकी ज़रूर समोसे खस्ते बनेंगे। उसके बाद पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको आटे को अच्छे से मारना है। एकदम से पानी ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा नहीं लगता। तो ये देखिए इस तरीके से आटा हमने मार लिया है। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के साइड में रख देंगे, तब तक हम मसाला बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैन चढ़ा दिया है, पैन में मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। अगर आपको यूपी वाले समोसे खाने हैं तो यूपी में तो सरसों का तेल चलता है। आप चाहे अगर जिसको सरसों का तेल पसंद नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। तो हरी मिर्च मैंने सारी नहीं डाली है, आधी हरी मिर्च डाली है। और उसके बाद हरी मिर्च डालने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें मटर। मटर डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा तेल में मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे थोड़ा मटर को। मसाला जो है वो धीमी आंच पर ही बनाएं तो अच्छा रहेगा क्योंकि हमें ज़्यादा
आलू का जो एकदम सब्जी नहीं बनानी है हमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, इसे भी हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब जितने मसाले थे, धनिया पाउडर, काली मिर्च, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च और नमक स्वाद के हिसाब से, तो वो सारा मैंने अभी इसमें डाल दिया मसाला। अब हम इसको थोड़ा चला लेंगे। याद रखिएगा आंच जो है बिल्कुल धीमी रखी है। अब मैं इसमें आलू जो है वो फोड़ के डाल रही हूँ। आलू एकदम भी मैश नहीं करना है, ऐसे बड़े बड़े ही टुकड़े रखने हैं, फोड़ देना है बस उसको। और अब हम इसको मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो हरी मिर्च मैंने आधी बचा के रखी थी वो इस समय पे डालेंगे। इस समय पे हरी मिर्च डालने से ना चटपटापन आ जाता है। अब इस टाइम पे जो मैंने हींग का पानी था वो मैंने साइड में डाला है और उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हींग डाल देते हैं तो उसका टेस्ट अलग आता है, और अभी जब हम हींग डाल रहे हैं इसका टेस्ट बहुत अलग आता है। आप ट्राई कीजिएगा कभी बना के। तो इस समय पे मैंने हींग डाला है और अब मैं इसको सब्जी में मिक्स करूंगी आलू में। तो सब्जी बनकर तैयार है। स्टफिंग जो हमने बनाई है आलू की बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं पूरी सूखी भाजी सी बन गई है आलू की, स्टफिंग हो गई है तैयार। अब चलते हैं आटे की तरफ। आटा देख सकते हो आप, इस तरीके से हाथ में तेल ऑटोमेटिक आ जाता है। आटे को अच्छे से फिर से हम थोड़ा मसल लेंगे और ये देखिए अब हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। तो गोले ये देखिए, एक जो अब मैं गोले निकाल रही हूँ इसमें 2 समोसे बनेंगे। तो इसी तरीके से गोले मैंने 13 या 14 समोसे मैंने बनाए एक कटोरी आटे में। तो आप भी अगर बनाते हो तो ऐसे ही कोई माप लीजिएगा और उसी हिसाब से आप समोसे रेडी कीजिएगा। अब हम इसको गोल गोल बेल लेंगे। तरीका जो है वो आपको अगर आता है समोसा बनाना तो आप कैसे भी बेल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से बेल रही हूँ। ये देखिए मेरा जो बनाने का तरीका है वो ये है। मैं इसी तरीके से आकार दे रही हूँ। अब मैं इसको करूँगी बीच में से कट और अब समोसे को भरेंगे। तो भरने के लिए सबसे पहले मैं उसका कोन बनाऊँगी जो मैंने बेली है। पूड़ी पूड़ी की तरह गोल बेल लिया। तो सबसे पहले मैंने ये देखिए इस तरीके से कोन बन गया, जॉइंट कर दिया उसको। आटे का जो हम पूड़ी जो बनाएंगे ना ज़्यादा मोटा रखना है ना ज़्यादा पतला रखना है, मीडियम साइज़ का रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं इसको चिपकाने के लिए पानी यूज़ करते हैं। तो मेरा जो तरीका है जो अब तक मैं बनाती हूँ, अगर आपका आटा अच्छा मड़ा होगा तो पानी वगैरह चिपकाने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक चिपक जाएगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ देखिए मेरा आटा एकदम फाइन मड़ा है, बहुत अच्छा मड़ा है। और यहाँ पर मैंने अच्छे से कोन बनाकर आलू उसमें भर दिए और बहुत ही अच्छी सी स्टफिंग उसके अंदर डाल के एकदम पैक कर दिया समोसे बना लिए। तो इसी तरीके से आप भी बनाइएगा। ये देखिए बहुत इजी तरीका है बनाने का, बस उसको दबा दिया अच्छे से। ये देखिए तो इसी तरीके से मैं सारे समोसे बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बना लिए हैं समोसे। अब चलते हैं तलने की तरफ। तो गैस पर मैंने धीमी आंच पर तेल को चढ़ा दिया था काफ़ी देर पहले। तो आप भी इसी तरीके से धीमी आंच पे ही तेल को गरम कर लीजिए। आंच जो है वो बिल्कुल तेज़ नहीं रखनी है। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे समोसे ऊपर से तो पक जाएंगे पर अंदर से वो पकेंगे नहीं, कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए समोसों को थोड़ा तलने में टाइम लगता है। अगर आप धीमी आंच पर तलेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी, कुरकुरी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही यम्मी बनती है। तो इसी तरीके से मैं सारे समोसों को तल लूँगी धीमी आंच पर। इसको टाइम बहुत लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं और बनने के बाद आपको दिखाती हूँ समोसे कैसे लगते हैं। तो गाइस समोसे तल लिए मैंने, आप देख सकते हो कितने यम्मी और टेस्टी बने हैं समोसे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो
पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।